सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड क्षेत्र के कुचमू गांव स्थित नवनिर्मित पंचमुखी सूर्य मंदिर में प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर से निकली। कलश यात्रा में शामिल लोग विभिन्न गांवों से होते हुए कोयल बांकी नदी के संगम तट पर पहुंचे। वहीं यज्ञकर्ता स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य विद्वानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा गया। इसके बाद पुनः उसी रास्ते से होते हुए मंदिर पहुंचकर कलश स्थापित किया गया। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय श्री राम के जयकार लगाते हुए चल रहे थे। मंदिर परिसर में बुधवार से 5 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ शुरू होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य स्वामी ने कहा कि स्थापित प्रतिमा को 23 जनवरी को पूरे गांव में भ्रमण किया जाएगा। वहीं 23 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। अनुष्ठान को अंतिम दिन यज्ञ परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। मौके पर कलश यात्रा में जिप सदस्य मनोज सिंह, प्रमुख राम सेवक राम ओम प्रकाश गुप्ता, यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले मुखदेव तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, नीरज तिवारी, सुनील तिवारी, लालमणि तिवारी, गौरख तिवारी समेत आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु महिला और पुरुष मौजूद थे।